हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कक्षा पाँचवीं एवं कक्षा आठवीं का वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट ओपन हो गया है। जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षा है उसके रिजल्ट का बच्चे इंतजार कर रहे थे, उसका रिजल्ट आज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा फ्रेंड्स घोषित कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे किस प्रकार से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाएं और उसके सर्च बॉक्स में टाइप करें RSK MP रिजल्ट। पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स RSK MP रिजल्ट्स, ये टाइप करना है और आपको सर्च करना है। जैसे ही टाइप करके आप सर्च करेंगे, आपको पहले नंबर पे यह वेबसाइट दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र RSK MP इन स्टूडेंट रिजल्ट। इस पे हमको क्लिक करना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर बच्चों का स्कोर कार्ड आ जाएगा। आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र रिजल्ट 2023-24 स्कोर कार्ड क्लास 5 एंड 8th, इन कक्षा 5वीं 8वीं का जो स्कोर कार्ड है, जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो ओपन हो गया है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बच्चे की समग्र आईडी टाइप करना है या फिर रोल नंबर टाइप करना है, दोनों में से एक चीज़ फिल करना है। फिर दूसरे नंबर पे कैप्चा, ये जो आगे रेड अक्षर में कैप्चा दिया है, ये यहाँ पर फिल करना है। फिर सो वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद में विद्यार्थी का स्कोर कार्ड रिजल्ट ओपन हो जाएगा। हम एक विद्यार्थी का रिजल्ट ओपन करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम विद्यार्थी का रोल नंबर समग्र आईडी टाइप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक विद्यार्थी का समग्र आईडी टाइप कर लिया है। आप देखेंगे 9 अंकों का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे विद्यार्थी का समग्र आईडी लिया है। आप चाहे तो रोल नंबर भी ले सकते हैं और कैप्चा हमने फिल कर दिया। आप सो वाले बटन पर क्लिक करते हैं ताकि विद्यार्थी का रिजल्ट ओपन हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर हमने जो समग्र आईडी डाला था वो डाल लिया, कैप्चा डाल लिया। और आप देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा राज्य शिक्षा केंद्र MP एनुअल एग्ज़ाम रिजल्ट 2023-24 क्लास 5, ये 5 के विद्यार्थी का खोला है। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के विद्यार्थी का भी रिजल्ट खोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन को ऊपर करना है धीरे धीरे, और आप जैसे ही ऊपर करके देखेंगे तो विद्यार्थी का रिजल्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये विद्यार्थी का रिजल्ट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप नीचे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा हुआ है, यानी ये विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया है। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि किस परिस्थिति में बच्चा पास होता है, ये पूरी जानकारी नीचे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उत्तीर्ण होने के जो मापदंड है इसमें स्पष्ट रूप से दिए गए। नंबर एक, वार्षिक परीक्षा परिणाम में न्यूनतम 20 अंक, यानी एक विषय में कम से कम 20 अंक लाएगा तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम 7 अंक आना चाहिए। नंबर 3, वार्षिक परीक्षा परिणाम प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम लिखित परीक्षा में न्यूनतम 27 अंक, यानी इन दोनों के मिलाकर के वार्षिक परीक्षा परिणाम और अर्धवार्षिक परिणाम दोनों के मिलाकर 27 अंक। उक्त मापदंड होने की स्थिति में विद्यार्थी को उस विषय में उत्तीर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से नोट को भी फ्रेंड्स आप देख लें, यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है और प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम 7 अंक से कम है, यानी वह पेपर में तो पास है, लिखित परीक्षा में तो पास है किंतु प्रोजेक्ट में पास नहीं है, तो उस विद्यार्थी को लिखित पुनः परीक्षा नहीं होगी। मतलब उस विद्यार्थी का पेपर नहीं होगा, उसे केवल प्रोजेक्ट कार्य पुनः जमा करना होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये विद्यार्थी का रिजल्ट ओपन हो गया है। और CWSN बच्चों के लिए दिया गया है, विद्यार्थी लिखित परीक्षा में विषय में 12 अधिकतम 10 अंकों को ग्रेस दिया जा सकता है, यानी जो CWSN विद्यार्थी है उसको लिखित परीक्षा में विषयवार, इसमें बार लिखा हो लेकिन विषयवार है, विषयवार अधिकतम 10 अंकों का ग्रेस दिया जा सकता है। और इस प्रकार CWSN बच्चे को उत्तीर्ण माना जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख सकते हैं। और यदि आपके पास में कंप्यूटर है और यदि आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यदि प्रिंटर से कनेक्ट है तो फ्रेंड्स आप प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन, गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही समस्त रिजल्ट एवं FLN संबंधी समस्त जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, रिजल्ट निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसी प्रकार से एरर आता है तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी रिजल्ट ओपन कर रहे हैं जिसके कारण एरर आ रहा है, थोड़ा वेट करें और आराम से अपने रिजल्ट को ओपन करें। समग्र आईडी से नहीं खुल पाता है तो फ्रेंड्स रोल नंबर से अपना रिजल्ट खुले, आपका रिजल्ट खुल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।